तुम अभी अपने घर के बाहर आ जाओ, क्योंकि मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मेरी सहेली का पति पुलिस ऑफिसर है, मैं बस उसे मिलकर अभी आती हूँ। मंशा रुक जाओ, मंशा। मंशा सुरभि के घर नहीं है, तो वो गई कहाँ? मेरे बच्चे का किडनैपर है, मुझे बचा लीजिए। और तू जाना, मैं देखता हूँ। लेकिन ये भागकर जाएगी कहाँ? अपने घर ही जाएगी ना, मेरे आदमी उसे वहीं से पकड़ लेंगे। पकड़ेगा तो तब ना, जब तू यहाँ से जाएगा। कौन हो सकता है? यहां पर तो कोई भी नहीं है, फिर ये बेल किसने बजाया? समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। कमाल, वाकई कमाल है रोहित, वाकई कमाल है। इतनी बड़ी बात हो गई, इतना बड़ा हादसा हो गया, और तुमने मुझे खबर भी नहीं की। अंकल मैं खबर क्या करता आपको? या यूं समझो कि तुमने मुझे इन्फॉर्म करना जरूरी नहीं समझा। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इन्फॉर्म कर देता, लेकिन चीजें इतनी जल्दी हो गई कि हमारी खुद की समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या। करना क्या है? तुम दिया के किडनैपर्स मिलने के लिए जा रहे हो ना, तुम जाओ, मैं पुलिस लेकर वहां पहुंचता हूं। नहीं अंकल, प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। देखो किडनैपर से मुझे साफ साफ कहा है कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म ना करूं। अरे तो तुम पुलिस को इन्फॉर्म कहां कर रहे हो? पुलिस को तो लेकर मैं जा रहा हूं। अंकल बात तो एक ही हुई ना, पुलिस को आप इन्फॉर्म करें या मैं करूं। अंकल दिया के मामले में मैं कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता हूं, प्लीज। मैं पैसे दे दूंगा और दिया को घर ले आऊंगा। तुम क्या समझते हो कि तुम किडनैपर को पैसे देकर दिया को वापस ले आओगे? रोहित अक्सर ऐसे मामलों में ऐसा होता है कि किडनैपर पैसे तो ले लेता है और फिर। अंकल दिया को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। मैं दिया को कुछ नहीं होने दूंगा। अरे बेटी हो मेरी, जान से प्यारी हो मुझे। खेल जाऊंगा अपनी जान पर, लेकिन दिया को सही सलामत घर लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, तुम रेंसम मनी देकर दिया को तो वापस ले आओगे, बट व्हाट अबाउट रिया? उसके लिए तो तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। अभी नहीं करेंगे, एक बार दिया वापस घर आ जाए उसके बाद। और मंशा, मंशा का भी तो पता नहीं कि वो कहाँ है। मैं जानती हूँ मंशा कहाँ है। क्या आप जानते हैं मंशा कहाँ है? हाँ मैं जानती हूँ मंशा कहाँ है, कहाँ रखा होगा पुनीत ने उसे। पुनीत? मंशा तो क्या मंशा पुनीत के पास है? जस्ट यू इट। सुषमा बताओ, सुषमा मंशा कहाँ होगी? सुषमा हंस क्यों रही हो? मंशा कहाँ होगी? सुषमा टेल मी, मंशा कहाँ होगी? प्लीज स्टॉप लाफिंग।
मार दिया होगा उससे भी। क्या? हाँ हाँ मार दिया होगा उससे भी। वैसे ही जैसे पुनीत ने मेरी बहन माया को मार डाला, उसने मंशा को भी मार डाला होगा। हाँ मार दिया होगा उससे भी। नहीं 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 बेटा, नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे दे दो। चुप चुप बोलो ना, चुप। देखो नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी, मैं चिल्लाऊंगी। बचाओ बचाओ बचाओ। चुप बोलो ना, ये तो इस चलती गाड़ी से बच्चे को फेंक दूंगा। चुप। नहीं नहीं दिया को कुछ मत करना, कुछ मत करना दिया को। मैं चुपचाप बैठूंगी, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है ले लो। नहीं रोते, नहीं रोते, चुप चुप। अभी मम्मी के पास चलेंगे। हाँ हाँ पुनीत, हाँ लड़की और बच्ची दोनों हमारे पास है। हाँ वो तूने गुरुद्वारे में मोबाइल ऑन किया था ना, तो मैंने सब सुन लिया था और समझ भी गया था, तभी इस लड़की का पीछा इसके घर तक किया और पकड़ लिया इसे। क्या? हाँ ठीक है, ओके ओके। हाँ चल ए संडी गाड़ी रोक। अब तू यहीं उतर जाओ, उतरो बोला ना। तू क्या समझी थी कि तू भाग जाएगी और पुनीत वहां गुरुद्वारा में फंस जाएगा? अरे वो भी निकल गया है वहां से। चल उसी से मिलने जाना है, चल ला दे ला दे। नहीं, बच्चे को क्यों? अरे देना, अरे घबरा मत, तू उतर, मैं इसको लेके उतर। चल चलो चलो उतर जाओ, चलो कुछ नहीं कुछ नहीं बेटा नहीं। अरे चलो उतरो बाबा, देखो देखो दरवाजा खोलो देखो। हाँ मैं उसे लेके उतर रहा हूँ ना। नहीं बेटा नहीं, चलो चलो नहीं नहीं बेटा नहीं, चलो चलो चल 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 चल। विकी भी कमाल है, दिमाग वाला बंदा है यार। तभी तो दुबई जाने की बात कर रहा था वो। And the best part is कि हमारे बीच कोई बात तय भी नहीं हुई थी। वो तो मुझे लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम हो जाए, इसलिए गुरुद्वारे में मैंने अपना सेल ऑन कर लिया कि शायद वो कुछ समझ ले। लेकिन वो भी चैंपियन निकला ना, वो सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि उसने मंशा और दिया का पीछा किया और उन्हें पकड़ ले आया। He is too good यार। चलो जो भी है अपना काम तो हो गया ना। अभी कहाँ, ये तो सिर्फ शुरुआत है। मंशा को लगता है कि वो बहुत चालाक है, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि चालाक कौन है। पहले मुझे लगता था कि मैं रैंसम के पैसों का क्या करूंगा, मुझे उनसे क्या मतलब, लेकिन अब मैं रैंसम के पैसे भी रखूंगा और मंशा को रोहित से दूर करके भी रखूंगा। मंशा आखिर बात क्या है? मंशा रोना बंद करो पहले, तुम कहां गई थी तुम? Where were you, मंशा? तुमने कहा था कि तुम सुरभि के घर जा रही हो, राइट? लेकिन तुम वहां पर नहीं थी मंशा, तो तुम गई कहां थी? मंशा for God's sake, tell me where were you? दिया, मेरी दिया। दिया? मंशा? मंशा क्या हुआ दिया को? मंशा रोना बंद करो, दिया को क्या हुआ बताओ? वो उन लोगों ने मेरी दिया को, हाँ मेरी दिया को ले गए। कौन लोग लेकर चले गए दिया को? मंशा कौन कौन थे वो? तुमने कहा थे कौन को? मंशा तुम कहाँ गई थी? मैं दिया को ढूंढने गई थी, दिया को ढूंढने गई थी मैं। तो कहाँ गई थी तुम दिया को ढूंढने? क्योंकि सुरभि के घर तो तुम गई नहीं थी, तो कहाँ गई थी मंशा तुम दिया को ढूंढने? सुरभि? मैं सुरभि के घर ही जा रही थी, तो मैंने देखा कि कुछ लोग
कार में दिया को लेके जा रहे थे। कौन थे वो लोग? कहाँ गए वो? कौन थे वो लोग? तुमने तुमने देखा उनको? मैंने मैंने उन लोगों को नहीं देखा। मैं उन लोगों के पीछे भागी, लेकिन मैं उन लोगों को नहीं पकड़ पाई। थे कौन वो लोग? तुमने कभी पहले उनको देखा है? नहीं। कुछ याद करो मंचा, खुद तो याद आ रहा होगा तुम्हें। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा, तुमने गाड़ी देखी थी मंचा? क्या कलर क्या था गाड़ी का? क्या रंग था? नंबर नंबर नोट किया था तुमने? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरी बच्ची ने मंचा रोहित, रोहित तुम्हें मेरी बेटी को लाके देना होगा। मंचा तुम्हें दिया को बचाना होगा, मेरी बच्ची को बचाना होगा। मंचा वो मेरी भी बच्ची है। दिया हम दोनों की बच्ची है। और तुम फिक्र मत करो, मैं पैसे ले आया हूँ। मैं जाऊंगा उनके पास, उनको पैसे दूंगा और हमारी दिया को ले आऊंगा। लेकिन वो पैसे लेकर दिया को नहीं देंगे। क्या मेरा मतलब है कि वो अगर उन लोगों ने पैसे लेकर दिया को नहीं लौटाया तो? मुझ पर भरोसा है तुम्हें? थोड़ा सा यकीन मानो। एक बार मैं किसी तरह दिया तक पहुंच जाऊं ना, फिर चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मैं हमारी दिया को वापस ले आऊंगा। मंशा ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा तुम्हारी दिया को। इट्स अ प्रॉमिस मंशा। जरूर समझ जाएंगे, मैं उन्हें सच बता दूंगी। मैं पुनीत की चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें बता दूंगी कि पुनीत ने रिया को किडनैप किया है। मंशा, रोहित, रोहित मुझे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताओ मंशा, क्या बात क्या है? रोहित वो हाँ। वो मैं जब बाहर गई, बहुत चालाक समझती हो अपने आप को, बहुत चालाक समझती हो। अरे एक तो मैंने तुम्हें अपनी दिया से मिलवाया और तुमने मुझे ही धोखा दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया मंशा। बहुत नाराज हूं मैं, बहुत नाराज हूं। और अब मैं क्या करने वाला हूं तुम सोच भी नहीं सकती। एक मिनट, एक आवाज सुन लो, तुम खुद ब खुद समझ जाओगी कि मैं अब क्या करने वाला हूं। रिया, रिया, रिया। हेलो, हेलो, हेलो रिया, तुम कहां से बोल रहे हो? कहां से बोल रही थी रिया? पता नहीं, पहले पहले रिया फोन पर बात कर रही थी, फिर किसी ने छीन लिया। रोहित, रोहित मैं फोन उठाती हूँ। अच्छा, शायद वो मुझसे बात करना चाहता है। तुमने अगर फोन उठाया तो वो फोन काट देगा। या। हेलो, ये रोहित वहां तुम्हारे पास क्या कर रहा है? जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो रोहित वहां क्यों है? देखो, तुम्हें आज रात 8 बजे मेरे घर मुझसे मिलने आना होगा। सुना तुमने? आज रात 8 बजे मेरे घर, वरना ये आवाज तुम फिर कभी सुन नहीं पाओगी। क्या हो मुझे? कौन बात कर रहा था?
मंशा क्या कहा उसने मुझे बताओ मंशा। रोहित, रोहित रिया फोन पर बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी रिया, फोन पर बहुत रो रही थी रोहित। चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा मंशा, सब ठीक हो जाएगा, I promise. Somehow, मुझे लगता है कि रिया के लापता होने में और दिया के किडनैपिंग में कोई कनेक्शन जरूर है मंशा। सच विकी, तूने तो कमाल कर दिया यार। अरे कमाल का यार, कमाल तो तूने किया, मनु तो सिर्फ दोस्ती निभाई है। अच्छा दोस्ती निभाई है, तो मतलब रैंसम वाली रकम में तेरा जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। बस क्या यार, वो तो एक्स्ट्रा है ना यार, तू भी यार। तुझे तेरे फादर ढूंढ रहे थे। क्या बात कर रहे हैं, मिले तुझे? हाँ, पूछ रहे थे तेरे बारे में, पर मैंने भी कह दिया आदिशा के घर पे पार्टी है ना, सब वहीं पे। अरे यार एक बार पैसे आ गए ना तो मैं दुबई चला जाऊंगा, बहुत झंझट है यार यहाँ पर, बहुत टाइम हो गया यार। वो आएगा कि नहीं पैसे लेके यार? आएगा आएगा, रोहित भी आएगा और कुछ ही देर में मंशा भी मेरे घर आएगी। और तू उसे बोलेगा जब तक तेरे पैर चलेंगे दिया की सांसें चलेंगी, नाच बसंती नाच। अरे वो देख, मुझे शादी बनाएगी क्या? पूरी देखना यार, तू देखना यार, ये ले तू देख। ये तो नकली नोट है यार। क्या बात कर रहा है यार? सच कह रहा हूँ, देख यार ये नोट नकली है। मुझे पता ही था कुछ ना कुछ लोचा जरूर होगा। सुनो अपनी तो किस्मत ही खराब है यार। रोहित के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा। वो तो चला गया, इतनी मेहनत की, घर वालों से झूठ बोला और पुलिस से भी बच के इतना काम किया, तो ऐसी पार्टी लेके क्यों आता है? चुप कर, चुप कर। अभी अभी तू ही लेक्चरबाजी कर रहा था ना कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ दोस्ती के लिए कर रहा हूँ। पैसे देखते ही तेरी नीयत खराब हो गई, ना चेक किया ना गिने पैसे, बस नाचना शुरू कर दिया तूने। मैं तो वो तेरे लिए कर रहा था यार। बस बस, इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूं मैं, नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को इतनी आसानी से। और इस बार रोहित की गलती की सजा मंशा को मिलेगी, देख लेना तुम। मंशा, तूने तो दिया को भिजवा दिया, अब मंशा कहां से मिलेगी?